लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, रामपुर के तहसील स्वार में नाज हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर नाज की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से सैनिटाइज़र और हाथों के ग्लव्स और मास्क व दवाइयाँ, उसके अलावा और भी जो है अन्य सामान जगह जगह बांटे गए, आम जनता से लेकर पत्रकारों को, पुलिस के जवानों को बांटे गए और मास्क उनको पहनाए भी गए, डिस्ट्रक्शन भी रखा गया और दूरी बढ़ाकर उनको ये सारा चीज़ें दी गई। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज से जुड़े लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर नाज हॉस्पिटल ने भी जो है इसमें लगातार अपनी भूमिका निभाई है और जगह जगह जाकर जो है पूरा दिन ये मास्क बांटे हैं। इस मामले में जो है रामपुर के कई अधिकारियों ने शुक्रिया अदा भी किया है और जो SHO हैं स्वार, उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया है। फिलहाल ये कार्य लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है, उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। टीम के अन्य लोग जो है ज़रूरतमंदों को और भी सामान दे रहे हैं और कोरोना से कैसे बचा जाए इसके सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि हाथों को धोया जाए बहुत अच्छे तरीके से, बार बार धोएं, बाहर जाएं और तब जो है घर आएं वापस तब भी धोया जाए, और पहले तो प्राथमिकता ये है जब कोरोना वायरस पूरे देश में लॉकडाउन है उसको लेकर, तो बचाव के लिए तो यही है कि घरों से ना निकले। ये भी एक संदेश दिया गया है इनके द्वारा, इनकी एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा जो है ये और भी अपने कार्य जनहित में कर रहे हैं, लगातार उनको उपलब्धियाँ भी दी जा रही हैं। जी जी मोनिका,